ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परमात्मा श्री गुरु प्यारी संगत सत्संग सत क्या है और उसके सत कैसे की है। ये सत्संग बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं अगर हर साल हर वर्ष की पूजा से अढ़ाई घंटा सत्संग मिल जाता है तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सत्संग में जो बात कही जाती है वो कही जाती है आदमी का बहुत जबरदस्त कल्याण होता है। जो कल्याण आखिरी चीज है ये है कि आदमी आया हुआ है और ये जितनी भी हम चीजें करें सब मान देता है और ईश्वर से आदमी है। इसके विषय में मैं जो बात करी है वो बात को करूंगा। पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर कमला जी आपको सत्संग इनको सुनना, ये साध्वी हैं और विद्वान हैं, संस्कृत की पीएचडी है, पढ़ाती कॉलेज में लेक्चरार है, अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और ये पुस्तकें वगैरह इन्होंने लिखवाई। मैं तो वैसे सेना का अधिकारी हूँ, कोई आता नहीं था, ये मेरे को गिफ्ट होगी आपको मुझे सुबह दर्शन किए विद्यार्थियों का, इसे वो नाम की प्राप्ति हो। आप जैसे सदन आदमी आए हैं इसी तरह के सदन मिले शुरू से, इस सदन मिलने से मेरे को समझ से जो बात समझ आई वो मैंने बताई। तो डॉक्टर कमला जी ने कहा कि आप अलग बोल रहे हो कुछ, बाकी जो महात्मा बोल रहे हैं रामायण गीता लिखा बहुत सुंदर है, महाभारत वगैरह इत्यादि जो गीता रामायण वगैरह सब ग्रंथ और जो इस्लाम का कया है कुरान मुक्ति भी ठीक है, लेकिन आत्मा तक के लिए समझ कहा और आप इससे आगे बोल रहे हो तो भी मेरे को पता नहीं चलता आगे क्या पीछे क्या ध्यान में जानते, मैंने कभी शास्त्र पढ़े नहीं। कहते कि नहीं आपकी बहुत ऊंची बात है, जो ये बात है ये बड़ी विश्वव्यापी है आपका सर, बाकी हमारी सब मान्यता है। मान्यता अगर तो आप जैसे श्याम जी भट्ट को मानते हो तो धन है, अगर बालाजी को मानते हो ठीक है, सारा सारा मानते हो ठीक है, राम को मानते हो ठीक है, वो आपकी मान्यता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो क्या अमृत है वो आपकी मान्यता बिल्कुल ठीक है। आप मानते सकते हो जो भीतर है आप मानते हो, जो इस्लाम मोहम्मद को मानते हो ठीक है, उनके लिए ठीक है, सबके लिए नहीं हो सकता। तो ये मेरे सत्संग सबके लिए क्या है, मनुष्य मात्र के लिए क्या ज्ञान है वो, चाहे वो चीन का हो चाहे जापान का हो चाहे इंडिया का हो चाहे इंग्लैंड का हो चाहे वो अमेरिका का हो अफ्रीका, मतलब लोग के अंदर जितनी मनुष्य जाति है मनुष्य जाति के लिए क्या है वो है क्या, वो कमाल है। और ये फिर डॉक्टर कमला जी आपको पूरी तरह से उसको भी रखते रहे सिखा देते हैं कि आपको खा देती है साध्वी है। साध्वी का मतलब कि जो ऋषि मुनि जी के साथ ब्राह्मणों को साथ सुनते हैं अनुभव करते हैं उनमें से है, और दूसरा प्रकाश को देखते हैं अपने पत्रों में होगी ये अनुभव अनुभवी भी है और साथ में विद्वान है। तो मैं चाहूंगा कि ये आपको पहले सत्संग और फिर तो मेरे पास अनुभव बड़ा भला आदमी है, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता,
फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों होता, ऐसी सजा भगवान क्यों दे रहा है? लोग देखते हैं कि कई आदमी को बड़ी संकट आ जाती है, बड़ा साधारण बड़ा सजग होता है, इसके पीछे कारण क्या है हमें समझ में नहीं आता। कारण तो प्रारब्ध तक होते हैं जो उसने यहाँ पर जो हमें शरीर मिला है, महाराज कहते हैं कि शरीर जो हमें मिला है बोलने के यहाँ पर कितने के रिश्ते नाते हैं आप बोले कितने महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं, उसकी यही बात बताई है कि कोई किसी का मित्र नहीं है। जितने भी रिश्ते बनते हैं माँ बाप के पुत्र के बहु के चाचा ताऊ पड़ोसी वो सब हमारा पहले मिले लेने के लिए होते हैं, किसी का कुछ देना होता है किसी को देना होता है। कहते हैं महाराज जी कोई हमें डॉक्टर बन के ले लेता है, कोई हमारे से वकील बन करके ले लेता है, कोई बेटा बन करके ले लेता है, कोई दामाद जिसको हम खुशी खुशी देते हैं वो लेने के लिए आता है, ये सब जो है करने का और दूसरा अब उस सत्संग को कर नहीं पाती है तो हमें नहीं पता नहीं उसके कर्म कैसे हैं, देखने में भला है क्योंकि कर्म केवल वही भी है जो उसको दिखाई देता है। हम जो बोलते हैं वो भी हमारा कर्म है, दिन भर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कई बार किसी को ऐसी बड़ी बात कह देते हैं गुस्से में आकर कि अगला जन्म का इधर घूमता रहता है। तो अगर हम क्रोध में आकर घरों में ही सबसे हाथ मार जाए क्योंकि हम जो है कोई सलाह कर कोई जोर से हमें कह देता है गुस्से में आकर कि हमारे अंदर ऐसे काम का जो दीन है और मैं तो सबसे बड़े होगी गुस्से की बात कहते हैं, मैं तो कई बार गुरु की अगर फेर कह देते हैं उनकी बात कहती हूँ कितना बड़ा हो है अज्ञान होना वो सहज चिंता जो है सबसे बड़ा होता है, जो आदमी सह जाता है उससे बड़ा कोई तप नहीं है, चाहे उसको कोई तप ना करने पड़े कितने जो है महात्मा कितना कठोर तप करते हैं, लेकिन दृष्टि के लिए सबसे बड़ा तप ये है कि बड़ों की बात को सह जाए, अगर सह जाता है तो उसके बड़ा कोई तप नहीं है, सहनशील आदमी जो है सबसे बड़ा ज्ञानी। तो अगर जो है हमें कोई कुछ कहता है सह जाते हैं तो समझ लो हमारा कर्म से क्योंकि यहाँ इस संसार में हर जीव अपना अपना कर्म लेकर चलता है, उसको अपने ही कर्म का भुगतान करना है। यहाँ पर हम ब्राह्मण है अपनी पात्रता लेकर के आते हैं, कोई सास का कर्म कर रहा है, कोई बहू का कर रहा है, कोई बेटे का कर रहा है, कोई पिता का कर रहा है। तो महाराज जी का कहना ये है कि हम दूसरों को ना देंगे केवल अपनी पात्रता होती है, अपने ग्राम में कोशिश करते हैं कि हम जहाँ पर हैं जिस विरोध में हैं क्या हम सही हैं, क्योंकि हम दूसरों की कमी को पहले देखते हैं। मैंने एक बार ये लेक्चर दे रही थी क्लास में तो मैंने एक बार यही बात बताई कि लड़कियाँ जो मेरे सेक्शन में ज़्यादा जबकि मेरी दूध जैसे अगले ग्रोह में जाती है किसी को कई खास ऐसी प्रभोध में जाती है तो जीवन दर्द हो जाता है, रात में इतना शरीफ होता है वो माँ के पिता बोल नहीं सकता, बड़ी मुश्किल स्थिति आ जाती है घर में खास करके एक आदमी की, अगर उसकी माँ तेज है तो उसकी वाइफ जो है रोती है तब भी घर में गलत है, अगर वो वाइफ की सुनता है माँ रोती है तब भी घर में वो सुनती रहेगी तब भी घर में आफत है, तो बेचारा चाहे तो कहाँ जाए। तो ऐसी स्थिति में किसी गुरु का ज्ञान बड़ा काम आता है, तो उसको मैं ये समझा दी थी तो वो कहने लगी मैडम माँ को हो सकता है वो विवाहित हो, उसने कहा कि हम कितने भी अच्छे बन जाए तो ये भी तो कहा गया कि अन्याय को कहना जुलम है, बिल्कुल सही बात है अन्याय को कहना जुलम है। तो मैंने कहा कि सास कितने भी बुरी हो तुम अपनी तरफ से अच्छा करो, तो वो बहुत ही ज्यादा जानते करती है तो बात करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने ये प्रश्न पार्टी से पूछा था, मैं खुद भी जो है थोड़े से कठोर स्वभाव की हूँ कि मैंने महाराज जी को कहा महाराज जी आप हमेशा ही याद नहीं करोगे सह लो, मैंने कहा कोई ज्यादा ही याद नहीं करे तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकती है। उन्होंने एक मिसाल दी कि एक बार एक सांप जो है वो भगवान विष्णु के पास गया और कहने लगे कि मैं किसी को नहीं काटता हूँ तब भी जो है लोग मेरे से बहुत डरते हैं, सांप को देख के डरते हैं कि कहीं काट ना जाए और मैं काटता भी हूँ फिर भी लोग मेरे से दूर दूर डरते हैं, तो कहने लगे कि तेरी जो है प्रकृति ऐसी है कि तू काटता लोग तेरे से डरते हैं, तू काटना छोड़ दे लोग तेरे से डरेंगे। उसने कहा ठीक है, उसने काटना छोड़ दिया, फिर उसको आपने देखा कि सांप को बड़ा रहता है काटता नहीं है तो लोग उसको बहुत डरते जाने लगे, फिर उसको
बहुत दिखा रहे हैं इंसान को कितनी गैस आई है तो बेचारे को आग बना कर दिया। और जब वो फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचा तो कहने लगे कि आप तो बाहर आ गए, मैं नहीं काटूंगा तो लोग डरेंगे नहीं, फिर उन्होंने रेत डाल दिया मेरी आत्महत्या कर दी, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, भूखा करने के लिए तो नहीं, अगर तुम भूखा मारता तो लोग इतने फिक्र करते तो क्या है तेरी, फिर हाँ थोड़ा सा तुम्हें ऐसा कर दो लेकिन हाँ कि अपना वो दिखाओ लेकिन उसमें किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, क्योंकि सोच में आदमी की बड़ी शक्ति है। हमें पता नहीं है कि हम दिन भर क्या बोलते रहते हैं उसका क्या परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। और दिन भर आए दिन आज दिन हम समाचार देखते हैं टीवी पे उनके संस्कार बढ़ जाते हैं, भाई उनके साथ ऐसा हुआ, रेप केस हो जाते हैं, डकैती चल रही है, चोरी हो जाती है, तो वो संस्कार रह जाते हैं। अगर पड़ोस की चोरी होगी तो डर बैठ जाएगा कि हमारे घर में चोरी ना हो, हम जो है वो डर के कारण जो पूरी विचार हमारा पक जाता है, तो विचार पक जाएगा तो क्या होगा जैसा काल वैसा हाल, जो चोरी वो करती रही, क्योंकि मैं इसकी भी कोशिश हो गई हूँ। अगर विचार आपका बढ़ गया रोज आप ये चोरी के चोर हमारे घर में आ जाए हमारी चोरी ना हो जाए तो निश्चित रूप से वो चोरी हो जाएगी, क्योंकि जो डरे वो करे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें सहारा लेना चाहिए मालिक का, कोई भी इष्ट बना सके ये रखो हमारे साथ है तो आपको जरूर है। तो ये सोचना जो है कि हमारा कर्म है, कोई हमारे लिए कुछ भी अगर कह देता है, कोई हमारा नुकसान कर देता है, कठोर बात कह देता है तो हमारे लिए आप करते हैं और विचार बिगड़ते ही समझ लो हमारे कर्म खराब हो, क्योंकि सोचना कर्म है, वो दिन भर क्या सोचते रहते हैं और जो सोचते हो हमारा कर्म बन जाता है, उस कर्म से हम कैसे बच सकते हैं, यही महाराज जी का मंत्र बच सकते हैं कि आदमी की सोच में जब तक ताकत है अगर उसको सोचना आ जाए तो उसका ये जीवन में किसी के जीवित रूप की महिमा है, क्योंकि अगर इच्छा पूर्ति करनी है उसके लिए कोई इष्ट काफी है, आप किसी भी एक इष्ट को सामने रखो केवल दुनिया की इच्छा के लिए, चाहे वो मूर्ति हो शिव की हो राम की हो देवी की हो कोई भी हो, उसको आप परमात्मा का रूप मानते हो और मन्नत मानते हो तो आपके ख्याल से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, आपने उसको मान लिया है। महाराज जी का कथन है शक्ति मानने वाले के हैं, किसी देवी देवता में नहीं, तो उनको हमने ही बनाई जाती है और वो इष्ट एक मान, अगर बहुत सारे इष्ट रखते हो आप तो आपकी इच्छा पूरी होने में कोई समय नहीं, क्योंकि एक ही साले सब सले सब साले करता है तो वो एक ही होना चाहिए। लेकिन मूर्ति जो है आपको बोलकर नहीं बताएगी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अंतरिक गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कोई संकट आता है कोई तकलीफ आती है तो आप चाहते हैं कि हम ऐसे गुरु के पास जाए जो हमारे डर को भय को शंका को दुख को तकलीफ को दूर कर। तो अगर कोई अनुभवी गुरु होता है तो वो आपको तकलीफ को देख करके बता देता है कि ये ऐसा है, वो आपको इस लोक में जीना सिखा देता है। और जब हमें जीना आ जाता है तो फिर महाराज जी का कितना सहयोग है कि ध्यान की तो जरूरत नहीं है। आज महाराज जी ने सुबह महाराज जी सुबह उठते हैं जब उनको चाहे लेकिन वो पूरा घंटे का दर्शन करते हैं। आज उन्होंने सबसे बड़ा दर्शन ध्यान में दिया कि ध्यान कैसे बनता है, सबके लिए ध्यान की विधि एक ही नहीं होती, क्योंकि जैसे इंसान की प्रकृति अलग अलग है उसी तरह के ध्यान के लगाने के तरीके भी अलग अलग है। तो उन्होंने बताया कि जिस लोक में हम रहते हैं हम जिस भी काम को करते हैं उस काम में इतना खो जाए कि वो काम हमारे सामने रहे और हम रहे और बीच में कोई ना रहे, इतनी तल्लीनता से करें तो वो सब हो जाता है। लोग के ध्यान कराने का तरीका है और गीता में ये कहा भी है योग है कर्म कुशलता, कार्य की कुशलता की योग है, योग बात है जुड़ जाना। तो जिस भी कार्य को मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ कई बच्चे इतने ध्यान से जुड़ रहे होते हैं उनको कोई किसी तरफ का ध्यान नहीं रहता, तो सब का ध्यान उनको ये पता ही नहीं होता है। और कई बच्चे क्या बड़ी देखते रहेंगे बाहर देखते रहेंगे शुरुआत उत्तर कर रहे थे उनको बात उत्तर कर रहे। और यही कारण है कि अध्यापक कितने बच्चों को
एक साथ पढ़ाता है, उन्हीं बच्चों में से एक तो बैंक में आ जाता है, एक साधारण नंबर लेता है और कुछ भेज हो जाते हैं। तो क्या अध्यापक भी कमी है? नहीं, उनके ध्यान की कमी है। जो जितने ध्यान से जिस कार्य को करता है वो ध्यान लगाना उतरना, और जब इस लोक पे ध्यान लगाना आ रहा तो समझो फिर अगर उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएंगे तो ये देव करने वाली बात है। क्योंकि ध्यान की आदत पड़ी है जिस भी काम को करते हैं, अगर हम रसोई में भोजन बना रहे हैं तो हमारा ध्यान ऐसा बन गए भोजन में जाते हैं, भोजन इतना स्वादिष्ट बने कि खाने वाला वाह, मेरी ऐसी ध्यान की आदत नहीं है। मैं बता रही हूँ महाराज ने आज ये सत्संग किया, मेरा ध्यान कैसे बढ़ा? मेरा ध्यान ये बढ़ा कि मैं गुरुओं की तलाश में जब भटकती रही भटकती रही, मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा अनुभवी महापुरुष मिले जो ज्ञान देता हो, ज्ञान में रहता हो, केवल भाषण ना देता हो, क्योंकि भाषण देना तो निकोटन से ज्यादा है, रोजी का भाषण देगा, लेकिन उस भाषण को जब हम बताते हैं तो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम वैसे हैं जैसे महाभारत में आचार्य द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को जो है जो पढ़ाते थे, तो उन्होंने उनको पढ़ाया कि कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए, इस तरह का कोई उन्होंने पाठ पढ़ाया। तो अगले दिन सुना तो सबने सुना दिया, युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ है, तो कहने लगे ठीक है कल याद कर जाएगा। और इस तरह से हफ्ता दस दिन बीत गए और रोज यही कहता है कि मुझे वो पाठ याद नहीं हुआ है। तो गुरु जी ने उनको डांट भी लगाई, डराया भी, और यहाँ तक एक दिन उनकी पिटाई भी कर दी। उसके बाद जिस दिन पिटाई हुई उस दिन कहने लगे कि आज मुझे लेसन याद हो गया है। क्यों? कहते थे मैं रोज दिन भर देखता था कि मुझे जो ना आए, लेकिन मुझे दो ना लगा, बाकी ने तो केवल रटके मानने के गुस्सा नहीं करना कि बिल्कुल लेसन है, लेकिन युधिष्ठिर ने क्या कहा कि मुझे क्रोध आना नहीं थी तब वो लेसन है। तो जिस दिन उन्होंने अपने जीवन में इस बात को उतार दिया तो कहते हैं कि आज जो है मुझे वो पाठ मिला हो गया। तो इसी तरह से जो है हम जो है दूसरों को भाषण देते हैं, तो मैंने भाषण देते हुए महात्माओं को बहुत सुना है, लेकिन जब मैं एक महापुरुष से मिली जो आपके सामने बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मुट्ठी भर आपके बैठे हुए हैं, और जो केवल भाषण देते हैं जिनकी रहने खुशी होती है उनके पास जरूर होती है। कारण क्या है ये भी बात नहीं माना जैसे पूछी थी, जब मैंने इनके प्रवचन सुने इनकी रहने देती 3 साल तक इनको मैंने देखा है, इनके गाँव भर करके इनकी रहने को देखा है कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे इनका रूप है। तो मैंने कहा कि महाराज जी आप इतने सच्चे महापुरुष हो, बाल के रूप में कबीर की तरह अपनी कमाई का खाते हो, कोई आश्रम नहीं बनाया है, किसी से कोई सेवा नहीं देते हो, तो आपके पास लोग क्यों नहीं आते, इनकी भीड़ कम क्यों है? कहने लगे कि भीड़ में जाता है मैं मुक्त आता हूँ, मैं सोचता हूँ पहले ही उनको वो सच्चाई बता दूँ उनके बाद समझ में आ जाए और वो भी मेरी तरह से मुक्त हो जाए। कहता कि भक्त मेरे पास पूरी उम्र आती है, और गुरु लोग जो चाहते हैं कि फिर खूब सारे देखे पड़े उनका आश्रम बड़ा हो जाए, उनके साथ जो ज्ञान देते हैं ये भाव रहता है मेरे देवों की संख्या बढ़ जाए, तो मन की एकाग्रता से या सोच विचार से उसका ये काम हो जाए। तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचता, मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरे पास आते हैं उनसे सच्ची बात बता दो, ताकि वो गुरुओं की बात रुकते ना मिले बिना मतलब के मेरे पास होने ना आए, तो यही कारण है मेरे पास। तो जब 30 साल तक मैंने इनकी रहने को देखा, इनको सुना, इनका देखा, इतना सहज था कि चलते उठते खाते उठते बोलते जब भी ये बात करते हैं, सोकर के उठते हैं या सुनते हैं या बोलते हैं या खाते हैं, तो इनके पास सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं। आप इनकी रहने रहते हैं और कहते हैं कि मेरे तरह उठाते कर रहे हैं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। मैं कहा महाराज जी कैसे हो सकता है कि आप काम भी करो ध्यान भी बना रहे, मुझे बात जचती नहीं है, यकीन नहीं होता कि आप कहते हो धारो नच में हो सुन रहा हूँ तो देर से बात कर रहा हूँ। तो देखा हम इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड में ज्यादा लोग नहीं सकते, तो वहाँ पे आराम भी मिला सारा दिन ही वो सत्संग में रहे, हम सुनते रहे सुनते रहे, तो जब मैं वहाँ पर रही 10 दिन तक वही धुन जो है मेरे को ऑटोमेटिक है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। और आज भी जब महाराज जी उठ करके गए तो मैं विचार कर सोने के लिए बैठ के आप करके तो गजब का जो वही है संसार पर जो मुझे महसूस हुआ, और उसके पश्चात मुझे
लगा कि नाम जगत में आ सकता है लेकिन तो ऐसा किसका साधन है जबरदस्त जो है ये उस ज्ञान में रहते हैं तो किसी की जो भी बात बोलते हैं संत बोले सहज प्रभाव संत का बोला देखना ऐसा जो महात्मा जो है जो विश्वास कर बारहवें साल की उम्र में आप देवी की तब तो कहते कितनी अच्छा जो संत की ना तो सर्दी की परवाह करते हैं ना गर्मी की परवाह करते हैं मेरी खुशियाँ ही या तो सर्दी में होती है या बहुत गर्मी में होती है छुट्टियाँ तो होती ठंड के लिए या गर्मी के लिए तो प्रोग्राम तभी बनता है या तो आप तीर्थ नाते धूप में जब धूप का महीना होता है तब हमारा प्रोग्राम बनता है या दिसंबर में जब बिल्कुल ठंड है तब प्रोग्राम बनता है तो इस बार यहाँ पर आप बाहर नहीं गए तो जब भी छुट्टियों में ज़्यादातर हमारा बाहर का प्रोग्राम होता है तो ये चीज़ की परवाह नहीं करते तो आप लोग ज्ञान देने के लिए आए हैं तो मेरा ध्यान कैसे बना की बात बता करके कि जब मैं इनसे मिली तो मुझे लगा कि वो साक्षात भगवान ही इसके प्रति ऐसा प्रेम बना ऐसा प्रेम बना कि जब मैं सोती उठती पाती के लिए वही उनका स्वरूप मेरे सामने और उनके स्वरूप की वजह से मेरा ध्यान अनाया जिस चीज की मुझे तलाश बनाई गई थी मेरा ध्यान बना और ऐसा गजब का ऐसी गजब की मुझे तो अपने मोटी के सेहत में भी ये मेरा प्रथम स्तर तीर्थ करती है
कोरोना से सत्संग देता हूँ, तो उसमें उनको खिताब डाल दी छोटी सी बात, तो मुझे हमेशा कहती है कि वो बात बताओ आप जो राजा दिया मंदिर, वो बात बताओ, वो बात बताओ, वो तो पूरी काम की बात थी, ये वो तो उसे काम कही नहीं करता हूँ कि उस राम ने ये कहा तो ये कहा कि उसने ये कहा उसने ये कहा, बहुत सुंदर है ये कथा है, ये सत्य नहीं है, जो उसके लिए मानता है उसको सब कथाएं बहुत सुंदर है, धन्य कथा रामायण की महाभारत की सभी तीर्थ तीर्थ जो कुछ है सब ठीक, मुसलमान को मानता है इस्लाम को मानता हूँ इसलिए ठीक, कैसे मानता हूँ उसके लिए ठीक है, तो आपने समझ होगा मेरी बात के तो सत्य होती है लेकर मान्यता तो ज्यादा लोग मान्यता की तरफ जाते हैं, सत्य का ज्ञान है नहीं और व्यक्ति को है तो वो दवाई बात कहती छोड़ती या विश्वास नहीं छोड़ता, इसे तो सत्य क्या है, सत्य आप हैं, आप ईश्वर से वो ईश्वर इस संसार के अंदर कहीं है तो मनुष्य के अंदर है और मनुष्य को निश्चय नहीं हो, वो जिसको जब मानता उसी को सही मानता आपको विश्वास ही नहीं हो, जैसे समझो ना तो भाई आदमी जो मानता है उसी को मानता है कुछ दूसरी को मानता है, तो आप हैं सत्य आप ईश्वर कई दुनिया में है मनुष्य में, अब जब जितना आपका फतेहाबाद बसा है कई सब देख रहे हैं आदमी जी इतना भी जिंदे क्या है उसको देखिए कान को तो उसके अंदर है वो टटोल दे फिर दे बाहर तो क्या है आप ईश्वर अगर मैं को तो कई बात को आपको समझाने के लिए कौन मोड़ दिया आपके लिए मैं तो मेरे मन में उठ उड़ गया मैं तेरी अभी नहीं जीवित तो सर आदमी हूँ जीते हैं वो अनुभव है तो सत्य मनुष्य के अंदर परमात्मा है और मनुष्य को इसका विश्वास नहीं है और वो उसी देवी को देवता को दूसरे को बना करके और अपना काम कर देता है, तो वो नहीं करता काम आपकी आस्था करती है काम आपको विश्वास है राम के ऊपर कृष्ण देवी पर वो काम आपकी विश्वास संप्रदाय का आपका विश्वास है तो आप सत्य मुझे कई तो डॉक्टर गुंडा नहीं कहते हो कोई बात सत्संग देते हो आपको सत्संग देते हो तो बताओ कहा गए बात तो समझाने के लिए सोचता हूँ और मेरी क्यों अस्पताल का क्यों वो है तो वो सब तुलसीदास कहता है ये जीव ईश्वर हंस है चेतन है विमल है सहज है और चुप राशि है तकलीफ इसको क्या हुई अज्ञान की क्या ज्ञान है आपकी बंदो प्रकट की जाए कोई इसको बंद नहीं मुक्त आदमी है मंदिर क्या करता है मंदिर को अत्ता जैसे घड़े के मिसाल देते हैं घड़े के अंदर कोई चीज रखी हुई है लड्डू पेड़े कोई चीज अच्छी चीज देती है और बंदर को मौका मिला तो फोन आता है और आकर के ऐसे हाथ दे दिया ऐसे हाथ दे करके अंदर पेड़े थे पेड़ों से हाथ रख दिया अब वो पेड़ हाथ जितना फेंका हुआ है और बंदर को ये निकालना आता नहीं हाथ तो वो ऐसे हाथ पेड़ से खोलता नहीं खोलते जैसे हाथ दिख रहे वो खोलता नहीं और साथ साथ दे बंदर के किस तरह है बंदर को अज्ञान है इसलिए मनुष्य अज्ञान है चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो करोड़पति सेठ हो चाहे कितने बड़े विद्वान हो कितने बड़े विद्वान हो अज्ञान है वो अज्ञान है क्या जिससे दुखी है दुख नाम की वो चीज ही नहीं जब रामायण में चौपाई लिखती हो स्वामी तुलसीदास ने और वो सत्य प्रमाण देता हूं आपको कि वो ईश्वर आत्मा है वो ईश्वर जिसको तलाश करते फिरे हैं वो आत्मा है मनुष्य मात्र है ईश्वर सब और उसको अपना भरोसा नहीं हम ईश्वर का और कई जो बात भरोसा हो जाता है फिर उसको कुछ सभी की रुकती थी वो सोचता हमारे मेरे साथ परमात्मा करते हैं अगले दिन पर मेरा रक्षण मेरे साथ है अगर उसको ये यकीन आ जाए विश्वास हो जाए कि मैं ईश्वर हूं तो वो डरने की बात क्या है किसका डर तो साथ आपके आए संभा तो इसलिए वो
पंडित जी को क्या बोलते हैं, डॉक्टर कमला देवी कह रही थी कि लोगों को ठीक सुनना नहीं आता, तो अभी पंडित जी को देख लो। अब पंडित जी यहाँ देखो पूछिए तो सर मंदिर के अंदर रहता है और सत्संग प्रसा हो गई और वो अपने काम में ला गया, काम के विचार दूसरी चीज दे। अब यहाँ ही देखो मैं तो बुराई नहीं कह रहा, ये पंडित जी जो है वो बुराई नहीं दे, बुराई नहीं क्या कर रही है, सत्संग प्रसा हो रही है और वो उन्नीस को कुछ बचता कहते प्यारी में मेरी प्यासी मुझे सुन सुन आवाज थी। इसे कबीर साहब कहते मछली पानी के अंदर है और उसको ज्ञान नहीं के कहा है, तो आपके सामने ये पंडित जी देख हाथ बैठे हो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर सांझे बैठ जाता है और जिस एक बात आ जाता घर की बात है नरती बात नहीं कर रहा सामने उदाहरण में जिंदा दूंगा आपको, जो देख कर वो बोलूंगा जो ज्ञान होगा वो बोलूंगा, मैं सुनी सुनाई बात नहीं बोलूंगा, उसने ये कहा उसने ये कहा, सभी कहते हैं सीखी तुम कहते पहली बात सही कैसे कहा, दूसरी ये कहा, पहली ये कहा, वो संतुल सिद्धांति ये कहा, सिमल भी आपको होता है तो मैं तो कह रहा हूँ तो उसको इस पर प्रभाव देता हूँ आपको समझे मैं कहूँगा ठीक नहीं है, तो आपके अंदर ईश्वर है और मनुष्य को इसका ज्ञान एक तो ये बात फिर ईश्वर जीव है जीव के अंदर पता नहीं और जीव को इसका भरोसा नहीं। अब इसलिए वो मान्यता खराब करता है और अपने मृत्यु से चलता है जैसे मुनजी साहब देर तक कोई जाने देना मुझे होता है इस बात तो ये जो डॉक्टर कमला जी कर रहे थे का वो उदाहरण दे दिया है कैसे सुना जाए ये उनके लिए एक तब जो बात ये उनके लिए कहती थी कि आप उदाहरण हुए रोज के तुम उदाहरण देने के लिए मेरे पास इतनी टाइम नहीं है, मेरे पास ये मैं तो जाऊँ मेरे बेटियों को मैं भाइयों को बता जाऊँ वो असली चीज बता जाऊँ किसका उदाहरण दूँ मैं जिंदगी में मैं पापड़ उठा जो वो घटना घटती है मेरे साथ उसका उदाहरण देता हूँ मैं ऐसे नहीं जो आप देखते इसलिए हम देखते ना पता है दुख आपको क्या है ये बात पालना नहीं पड़ी है क्यों कि दया ना से उनको पता ही नहीं होगा कर दो बात ये अंदर साथ करती जाती कर जो दिए के कारण को नई बात के सत्संग आए तो बाहर वीडियो पर जाए और सब जगह संदेश दिए लोग इनका करना ठीक है नहीं क्या क्या इनका करना ठीक है ये भी एक बात आप कहते हो तो यही जाएगी सब जगह संदेश सुन लेना और आपको बदल बदल के होगी बहुत अच्छा है तो मैं बदल के तो आपको कोई लाभ के नहीं होगा क्योंकि आप उसी से बोल रहे थे तो बताना था तो जिसका आपको दुख है वो बताऊंगा नहीं मैं तो बहुत करूंगा दर्द तो यहाँ पर है पट्टी यहाँ पर रहते हैं तो मैं ये मालूम तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आप इस रहस्य प्रमाण क्या है एक तो रामायण का है एक मैं मेरे साथ में घटना होती है जोर के लिए देता हूँ ये तो घटना होती है वो मेरे साथ लेता रहता हूँ अनुभव करता रहता हूँ तो अनुभव बात करूँ तो मैं कोई बात दुख आई बता देता हूँ आपको दुख दुखी आम है दुख नाम की कोई चीज नहीं है जब तक कि मनुष्य ईश्वर है और सब कुछ चेतन है विमल है सहज है सुप्रति है तो इसको तकलीफ ना हर एक आदमी को समस्या यह समस्या यह समस्या यह समस्या यह समस्या कहाँ से आई ये तकलीफ कहाँ से आई फिर ईश्वर वो बता रहा हूँ आप तू उस आपको ज्ञान नहीं से बंद कर दे मार को डाल दिया बोलने का पता नहीं उसको इसे वो डाल सकती है फिर तो आप समस्या नहीं है फिर समस्या रहती ही नहीं आपके समस्या तो बात ही आपकी सुन सो वो कहाँ से आई किसी पर लगी वो बताना चाहता हूँ वो हमने कर ली कैसे कर ली दुख नाम की कोई चीज है मैं विचार कर लो सकल संसार जैसा कुछ होता वैसे जैसे कि सोचा ऐसा मंदिर बना दिया जैसे कि सोचा वैसे कोठी बना लिया अपना घर बना लिया ये पूरा शहर मनुष्य बनाया जैसे जैसे इसका विचार कर रहा और जैसा वो मनुष्य वैसे संतान बदल नहीं ये मनुष्य जो चाहे तो है बहुत प्रकार से शक्तिशाली है ये खुद बनाता है मतलब जो कुछ है चीज ये खुद जैसे परमात्मा बनाता है उसकी रक्षा करता है पैदा करता है रक्षा करता है और सहार कर देता है वो तीनों काम ये करता है इसलिए इसके अंदर शक्ति तो तकलीफ क्या है कि दो तरह के विचार है सदनों बोल से एक तो घटिया एक बढ़िया तो घटिया विचार तो है उसका थोड़ा घटिया है और बढ़िया कर दिया जैसे तुम्बा का बीज बाइए तो पढ़ना निकलेगा तुम्बा का फल तीन डाले कर रहे हो और तरबूज अगर बोलिए तो उसका फल क्या होगा मीठा होगा तो घटिया विचार का तो फल है वो तो है दुख मन के प्रतिकूल घटना नहीं आप तो चाहते नहीं चाहते बात ही घटना नहीं आपको दुखी होगा और आदमी दुखी है वो चाहता वैसे नहीं होता क्यों नहीं होता कि उसको विचार का पता नहीं क्या दो विचार एक तो घटिया एक बढ़िया तो घटिया विचार हम ज्यादा रहते हैं घटिया विचार के थोड़ा नाराज होते ईर्ष्या द्वेष नफरत
अगर जल साथ रूप के अंदर जरा कि यह ब्रह्म उठ रहा है तो विचार उतरे रहते हैं और बाहर से जो आए तो लंबा होते जाएंगे जो होनी चाहिए। बाप बेटे के अंदर गुरु साहब ने जाना दी है तो उसका विचार उसको ज्ञान नहीं किसी को सब बड़े शाने बड़े लिखे हैं सब कुछ है विद्वान है डॉक्टर इंजीनियर इत्यादि और बड़े बड़े शाने शाने लोग हैं लेकिन उनको गुस्सा आता है तो सबको सड़क पर धर्म कर देते हैं तब पति पुत्री है तो दोनों सड़क पर कर देते हैं कि आपने ऐसे कहा आपने ये कहा आप कितना है आपकी माँ सी थी ऐसी थी और दुखी हो जाए और वो बड़ी बुद्ध सोचते हैं बेटा मैं बात नाम दिया ये लिया ये लिया ये लिया वो विचारों पर चले जाते हैं तब आएंगे तो बर्बाद होता है ये मतलब ये घटिया विचारों का फल हमेशा तकलीफ है तो भाई घटिया विचार देते हैं आदि तय दूसरे तय जय नारा देते हैं किसी से बात करती साथ को काम दे दो बाप बेटे का तनाव है भाई भाई का तनाव है पड़ोस पड़ोस का तनाव है रिश्तेदार रिश्तेदार के साथ नाराजी है वो जो नाराजी है उसका विचार ऊपर जाते हैं विचार आपके पास प्ले करते हैं ये इस मत के पास होते हैं इसको ज्ञान नहीं बंदर की तरह अगर बंदर को ज्ञान तो घर के पास और टिक रहे वो बंद इसको ज्ञान नहीं है विचार से पूरा क्या नहीं हुआ सुबह से शाम तक विचार आते हैं आए 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 एक विचार पर ठहर गए एक तरह आप हंसते हो नहीं बोले यार ये ख्याल से ये ठीक आप मैं ये कहूंगा तो ये होगा कुछ भी ना एक तरह तक तो सी सहायता करूंगा एक तरह दया करता कि बेचारा बहुत गरीब है उसको ये करो मुझे विचार आते थे तो जो अच्छे विचार आते थे दूसरे की सहायता के लिए किसी के लिए उनके लिए आपको भी होती है और दूसरे को भी होगी फायदा होता है आप जो घटिया विचार आता है उसका फल जो घटिया होता है जो जितनी तकलीफ में है मनुष्य को चाहे वो राजा हो चाहे बादशाह सब कोई घटिया विचारों के लिए तो घर पास होते हैं
बाप बेटे में थोड़ा सा फर्क आगे डाल दिया है, मन क्या तो बाप पता नहीं कौन सोचता है, इसने ये भी किया तो ये भी किया, ये कोई विचार से रहते हैं आई बाप के क्या भाई भाई के लिए ये तनाव, भाई भाई की बातें थोड़ी ये भाई की बातें कोई बात नहीं, तो वो सोचते हैं सोच का मामला है। इस लोक में विचारों का रूप है तो संकल्प को शिव शिव से अच्छा संकल्प विचार आपके अच्छे हो, जैसे वो क्या महिम दर्द देखा आगे फिर कहते मन को रोते ही है दर्द दिना मेरे भरोसे प्रणा परमात्मा भरोसे प्रणा शिव को कहते मेरे भरोसे प्रणा मोटा मोटा तो कर मन को रोते ये संदिना ये धन लाभ संतोष लाभ हो गया तभी खुशी मिलगी, अरे हानि होगी तो फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होगी और फिर क्या कोई उत्तर नुकसान हो गया कोई बात लाभ हानि होने पर रोकता नहीं है, कोई नुकसान हो गया काका प्रिया रोएगा नहीं कोई भी, ये धन लाभ संतोष इसकी मर्जी जो कुछ होता है ठीक होता है। शिवी को तारे संधारे और फिर आगे जो तो भक्ति को करते वो कि भाई यहाँ पर तो इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है अच्छा होगा, इसलिए क्योंकि नौ भक्ति बता दी गई था सपने नहीं देखे परदोसा, ये उसी के अंदर है मैं तो जवान याद दे रहता हूँ कहते तो सपने भी परदोस से देख रहा है बाका परदोस का अंदर देख रहा है ये बोले सच था तो ये तो भी है बोले सुधु बोलता है तो पूरी करता है वो ये करता है बुराई देखते हैं तो बुराई है वो उसको क्या करे सपने नहीं देखते परदोसा वो तुझे परदोस भगवान तुझे देखते हैं और सपने में नहीं देख परदोस देखोगे तो परदोस सजेगा इसका ज्ञान भी आदमी हम दूसरे बुराई देखते रहते हैं बुराई और डाक हमारे वहां देती है, अगर एक आदमी कहता तो दो रेट दो रेट तो वो भी कुछ करेगा क्या कहता उसका त्रित जीगे त्रित जीगे तो उसका उत्तर ना होते तू उसी तरफ क्या करते अगर राम राम पढ़ने से राम को दिखा जाए तो मदद करेगा तो सारा दिन हम लोग बुराई देखते तो शिवी को ये याद देते तू कैसा बने कैसा बने के बाद फिर वो जब जानते हैं तब कहते हैं शिवी एक बार सुन गई मम दर्द पर परम अनुरूप जीव पावी ने सहज रूप ये चिड़ी जब मनुष्य रूप पाता गुरु बन के तो मेरा रूप देखने के काबिल अनुरूप हो गया क्यों कि मैं ब्रह्मा आदि को पता नहीं ऐसे ऐसे तो आप पता करो तुम क्या हो ये बात को दूसरा नहीं बता सकता, इसलिए उस समय मेरा जो रूप है देखने के काबिल हुआ नाम कहते चिड़ी को पता नहीं कि जब गुरु बन के आता हूँ ज्ञान देता हूँ तो जीव आदि को निकाल सकता हूँ तुम ऐसे ऐसे अपना पता कर सकते हो नहीं तो उसको क्या पता है क्या कर अपना मालूम को करना चाहिए कि मैं क्या हूँ कहाँ से आया हूँ तो उसका योग बताते हो इस दुनिया में क्या करना चाहिए क्या चाहिए कहाँ क्या चाहिए उसके लिए मंदिर बताते हैं इधर कब जब गुरु गुरु कहता है ऐसे देखते हैं तो सब कहता जाते हैं आखिर ही कहते हैं मम दर्द पर परम अनुपा दीव पावी ऐसे भी मेरा दर्द मनुष्य में जाता हूँ तो अनुपम में दर्शन करने वाला सलाम होगा देख ले इस सलाम देगा क्यों हो जाएगा क्यों जब मुझ वाकी ज्ञान जो जीव पावे ने सहज रूप का जीव को अपने स्वरूप का पता तब चलेगा जब के मैं क्या हूं जब त्रिका करेगा गुरु ज्ञान देगा वो ज्ञान कैसे देगा वो कैसे जान सकता है तो ज्ञान देगा ज्ञान करने के लिए त्रिका हो जाएगा सब गुण चले पड़ जाएगा निर्वाण हो जाएगा पड़ हो जाएगा दौड़ लगता ना कहते हमारे कमजोरी है ब्रह्मचर्य शक्ति आपकी है आदमी के अंदर एक दिन भोजन करता है एक बूंद खून की बनती है किसी उम्र तक और उसके बाद में 40 दिन का भोजन करके ठीक हजम हो जाता 40 बूंद खून की बनती है और उस 40 बूंद की खून से एक बूंद ऊर्जा स्टेमिना हिम्मत हौसला खुशी वो बनती है और 40 बूंद ऊर्जा की वजह से एक बूंद वीर्य की बनती है जिससे आदमी पैदा होता है एक बूंद वीर्य की बनती है जिससे आदमी पैदा होता है और वो बूंद स्वाद के लिए ज्ञान को खो देता तो धर्म जी गिर जाती कमजोर हो जाता है चेतना स्वभाव जाता है गुस्सा आता है अब ये बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं हम लोग पांच पांच सात सात बच्चे हो जाते हैं फिर खेलते छोड़ते तो वो गुरु की उसी ज्ञान मिलेगा ऐसे नहीं आएगा गुरु ही बताएगा भाई तुम कोई देव पाठ करो जो जिसको अपना कल्याण चाहता है उसके पास तो वहां जाकर ठीक हो जाएगा ध्यान करते का तो बताए हो गया पहले गुरु चाहे एक बार बच्चे पता करे कितने करे एक दो तीन चार हो गया जी जितना था हो गया तो अब पति पति तो गुरु चाहे एक बार ये दोस्तों की तरह एक दूसरे की सेवा करो एक दूसरे को देखो इष्ट हो इष्ट पर इष्ट कैसे होता है आदमी की शादी करता है आदमी इसलिए अपना इष्ट बनाता है पत्नी को बताया कि पति का बना लेती है और पति पत्नी का बना के आनंद देता है बाहर का आनंद देते हैं तो
मेरा कर्तव्य स्वानंद देते हैं और वो कई गलत कार्यों के अंत के लिए आदमी क्यों काम करता है, बस उसको खीर कांड समझता है। यह है खीर कांड संतानोत्पत्ति तत्व, संतान आप अपने से सीमा कर देते हैं, इस बात के लिए इसको बोलिए बाहर कमजोरी आ जाएगी, मतलब कमजोरी आ जाएगी, चित्र स्वभाव देगा, गुस्सा लग जाएगा और फिर उसको रोग लग जाएगा, इसलिए वो भूत को बन क्या है वो जान देगा हमको, पहले वो दे नहीं सकता, इसलिए भगवान राम कहते हैं सीढ़ी मम दर्थ पर परम अनुपा जीव पावे सहस्र, ये अंदर की भक्ति का अधिक अवसर है कि मैं तो सब रूप जाता हूँ मनुष्य को ज्ञान देता हूँ और वो कैसे हम लोग उसको दान देता है, बोलो आचार दास है इसको दाने का कोई बात ही है, वो कहते वो अंदर बताएगा गुरु बन जाता हूँ कोई गुरु का अपने ज्ञान गुरु का तो ये दिए आपकी खुपी में सब कुछ बढ़िया होगा।
जो ऊपर ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर है, जो ऊपर ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर है। आपको याद से शुरू होता है, ये टीका लगाती है ना आप लोग याद में क्या इसलिए शुरू होता है, भाई भाई के जब जाते टीका लगाते हैं वो टीके समाप्त करते हैं। ये तुम जाओ इधर ध्यान करो, जो क्या चाहते हो मिलेगा, इधर ध्यान करके इच्छा करो वो चीज आपको मिल जाएगी। क्या चाहते हो इस दुनिया की क्या चीज है आपको, दुकान मकान आठ हवेली धन संतान क्या चीज, सतुर चीज जिसको देख सकते हो छू सकते हो, वो चीज आपको इस लोक में मिल सकती है पहले धीरे ध्यान करने से। इसी कितने विचार आते हैं, अगर बुरा है घटिया है क्या तो क्या चलो ऐसा होगा जैसे करूंगा कर मुझे ये क्या ये करूंगा पति पत्नी की तरह ये होते कर ये से मेरे को क्या तो ये से क्या वो क्यों जिंदगी होती है देखते हो जिंदगी इच्छा है देश से ना बच्चे होती है तू उम्र को छोड़ लगी कि जैसे देख जा मन में दुख हो मन भरा भाव आप है आई जो परमा धर्म तो हमारा काम हो जी मन दुखाना ये छोटे तक दे वे कोई इच्छा करी तो चुप हो गया सास कुछ बात करते वो चार पांच बोल देती है और वो कहते साथ जो तो साथ ही करते साथ करते वो कहते फिर बाप बेटे करते फिर भाई भाई को करते और ऊपर मतलब ये नहीं है कि हमारे लोग को आप तो याद तक के राजनीति के जो नेता में जिन मंत्री बन गया भाई वो सब यही करते जब विधान सभा जाते कानून प्रणाली होती है तो क्या करते एक दूसरे को जूते फेंकते गालियां करते तो सब की सुनवाई करते और जब चुनाव होते तो देखे ना क्या वो कहते कांग्रेस बहुत खराब दूसरा कहते भाजपा बहुत खराब भाजपा बहुत खराब पता ही बताते नहीं हमेशा के लिए सुंदर सुंदर विचार रखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। घटिया बात सुन से पिता नहीं सुनी को सुन निकलेगा प्रदोषा ये सब लेकिन हम उसको बात को छोड़ते बुराई करते ये हम तुम्हारे की तो ये पाठ को देना है ये बात को बताइए सिखों के ग्रंथ में लिख रखा जब सिखों की कोई शब्द भी बात है चली तो तेरे से गुरु बन गया इधर एक गुरु दूसरे गुरु से चार तरफ पड़े जगह जगह करना है जगह जगह पड़िए तो सोचे कहां क्या करें तो उनका भी ऐसे करो ऐसे तो हम बढ़ जाएंगे बातें भी तो एक करो गुरु ग्रंथ को मानिए प्रकट मानिए गुरु ग्रंथ साहब भर लिखा इसको मान लो कि ये प्रकट प्रकट दे ये खुद ही बैठे तो ये ठीक है सब एक दिन ठीक है तो सब के साथ उसके विचार आगे फिर आगे उसको लिख रहा क्या है कि ग्रंथ साहब ने पर तो कहते गुरु ग्रंथ को मानिए प्रकट प्रकट की दे अब फिर कहते जाका हृदय शुद्ध है जिसका मन पवित्र है खोज समझ में ले समझ में खोल जाकर विचार कर रखा है अब इस बात को नहीं पढ़ा लो जो ग्रंथ को मान रखा है बड़े बड़े विद्वान बड़े लिखे अच्छे जितने सीखे तो कोई हवा का आता है ग्रंथ को तो ग्रंथ को उठा ले जाता है कोई कूलर लगा देता है कहीं खेल रहे पढ़ो वो देख पड़ा था कि वो मानते हैं अगली बार पढ़ी बन रहे अगर एक है बहुत समझ आता है इतने सुनते हैं बहुत समझ में नहीं कि पढ़े उसको बड़ा सोते हो समझ में क्या लिखा है समझ में लिखा पूरा सतगुरु खो दिए पूरी हो जुगत हंदिया बिंदिया खेड़िया बिच हो वो कहते पूरा तो सतगुरु खो दो त्रास लोग कौन है जो आपको अच्छा लगे बता दे और पूरी दुगत करो भेड़ो से उतारता जैसे गुरु उतारता याद करो कि साथ साथ दुगत भी उतारता है कि तुम आपने कभी इस मन को साफ रखो घटिया विचार दिन में रखोगे और याद करोगे तो तुम्हारा घटिया चीज बन जाएगी कुछ देर हो जाएगा तो साफ जाएगा काम ही हो जाएगा काम ही हो जाएगा जरा ब्रेक करना जरा ब्रेक करोगे इस देर तुम पर मन को मन को सदन कर्म से पवित्र हो मन से किसी को बुरा किसी को क्या दिया होगा किसी का बुरा नहीं समझना सब भी बोल देते हो कुछ कुछ और वचन से कड़वी बात किसी को उसको दो जिससे जो चोट लगेगा जो चोट लगेगी कोई उल्टी की करेगा
अब यहाँ पर बैठे हैं और कोई बात दूसरे को मत करूंगा तो सीधे में भूत सहायक क्यों बोले जाते हैं भाई सुन इसलिए वचन से और फिर कर्म से क्या भोग से सहायता है तो भाई पैसे पैसे से कर दो और धन को देते दो देते हो ना दे दो कपड़ा दे दो पानी पिला दो और सब कुछ दो सहायता करो ये दो कुछ आप करो अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं ज्ञान दे रही हूँ आपको ज्ञान को ज्ञान क्या मुक्ति दी तुम आपको ज्ञान दे रहा हूँ इसके मुझे मुक्ति नहीं है जितनी पूजा करो बहुत अच्छा जितनी मुक्ति करोगे सारा करो ठीक है परमात्मा शुद्ध है मिलेगा आपको लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिल सकती मुक्ति ज्ञान से मिल सकती है उसे को ये ज्ञान पता लग जाए ज्ञान क्या है कि वो अपना आप क्या है अपना आप को जानने जानने का तरीका क्या है पहली जगह पर ध्यान करोगे तो दुनिया की चीज मिल जाएगी आपको दुकान मकान हाट वेरी संतान जो चीज चाहोगे टीका करने वाली जगह आप पर करके ध्यान करोगे मिल जाएगा क्यों इसका नाम सत्राकार क्या है और इसका कैसे होता है इसका प्रचार क्या आपका ध्यान बन गया पीड़ा रंग का प्रकाश आ जाएगा आपको आप फिर ये प्रणाली जब भी रखते प्रणाली वगैरह नहीं बन जाते कैसे रखना क्या है आदमी अंदर क्या करोगे घटी प्रणाली को अंदर बुला करोगे तो आप क्या करोगे पहले स्थान पर टीके अंदर इसकी प्रणाली प्रणाली है तो आपके अंदर घटा क्या हटता है कर्ण आपको मिलता है किससे नहीं मिलता है ताकि इसकी प्रधान के अपर स्थान पर के धाम में आ तो सिद्धि आ गया अब ये सिद्धि आ गई तो गलत सोचोगे तो गलत हो जाएगा अगर पति पत्नी का अपना सोचता है बीमार हो जाएगी फिर काम ले जाओ दो ही दिन ये दिस की तरफ आप नाराजी से बुरा सोचोगे तो काम लेगा अच्छा सोचो अच्छा ले इसलिए ऐसे आपको चाहिए ईसा मसीह ये कहा कि अगर ऐसे करे तो अपनी जुबान से क्या करेगा मैं दूसरा काम करूंगा इधर होगा यानी गुस्सा नहीं करोगे गुस्सा करोगे दूसरे से बुरा हो जाएगा नुकसान हो जाएगा इसलिए वो करते हैं तो पर आसान नहीं है शस्त्रकार हजार पकड़ी और खून खून तो कोई नहीं आपका मन है शस्त्र के विचार आते रहते सुबह शाम तक इतने जितने विचार आते हैं आते रहे जाते रहे आते रहे तो रोके भी नहीं सारा भाई जिंदगी है और उन मुंह से नहीं आते किया गया तो किया गया तो लेकिन जब पर बचा ले इतने से सदे से पड़े रहे हैं अपने पर दो पड़े हर इसके लिए जो दुनिया की चीज था वो पहले स्थान पर करने का ध्यान है ये जो वो बात और भूल के आता है वो तो आप पुरस्कार पाएंगे ये क्योंकि आज करो कल करो किसी आगे जब करोगे पहले स्थान पर दुनिया की चीज चाहिए या प्रिकॉशन से लेके मन वचन कर्म से पवित्र होकर करना अगर मन गंदा है फिर ध्यान करते हो ध्यान करते हैं जगह जगह खुद का क्या जाओ नाम ले लो नाम ले लो नाम ले लो नाम तो उठता ही नाम क्या और नाम लेने की बात क्या है कि आप नाम ले लो ये पता नहीं सब नाम के योग्य नहीं है योग्य कौन है नाम के विशेष से तो हो उदार सा परमार्थ की नाम ना सा को है नाम पर गए धन संतान प्रीत निंदा के जगत पदार्थता निंदा के तन इंद्रिय आसक्त नहीं होई नींद भूख नींद भूख आवे जिन कोई विरह बाण नींद दे रहा गया मेरे क्या है यहाँ पुचार दिन के लिए मैं मान हूँ यहाँ पर कोई मेरा नहीं है ना भाई का ना भाई का है वो फिर हो गया तो जरा मेरे बाद दिन ही दे रहा गया हो जब मेरे साथ हो जाए ऐसा गुरु त्रास करता फिर जाए कि मेरे को ज्ञान दे ऐसी करनी जाके देखे जिसका ऐसी करनी देखे आप आज सतगुरु की सुनो वो आके अपना हो जाएगा उसके बाद सतगुरु वचन सुने तो काना उंगे हृदय प्रेम समान सतगुरु से जो प्रीत लगावे दया भय मुझ की कृपा इसी तरह से बात बताइए जो आके टीका करेगा का मन आपका साफ हो लगे तो आपने से मोहम्मद पर फिर से अमर कर दिए योग्यता नहीं है ना मेरे के तो हर मन तो पूरा कर रहा है तेरे से की ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा ये भी तेरा भी क्या कमी सी चला क्या ये भी और अब नाम लेके तो वो मेरे इधर इसे पर इसको साफ कर दो साफ कर दिल के हुजरे को परमात्मा तेरे अंदर बसता है मनुष्य के अंदर बसता है मनुष्य की स्वरूप है पर ये साफ नहीं होता तो वो ध्यान नहीं करता सत्संग से साफ होगा बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुन न सोई सत्संग से आपको पता लग जाएगा सत्य क्या है सत्य क्या है सच्चा ये जैसे मैंने बताया अभी आगे बात बताता हूँ आपको सुनना बहुत चाहिए मेरा रूप जगह जगह पूरे देश में प्रकट होता है मैंने तो आश्रम में मेरे पास में नेक्स्ट कोशिश से बनाता हूँ ये सत्य देता हूँ ये गुरु जी का हरण साथ में
बता जगह तो हमें नहीं जाता तो कहते आप ये विराट में आइए होगा आपको कहता मेरे बच्चा भी साथ में रुको कहता मेरे को साधन के अंदर बताया तो कहता सुन बताया ये काम हो गया ये हो गया और मैं कही जाता कौन जाता वो अनिश्चित से उसी के अंदर हो भाई जो बोलो चीज आप के अंदर बाबा पर बैठती हो बना देती है राम के रूप में आपका बना दी किस लिए हो किस का बना दी देवी को देवी का बना दे वो रूप आप ही बनाते हो प्राण वाले वैसे बता कर क्या रामायण में सुनता कौन है कौन सुनता रामायण को रामायण के ग्रह को तुलसीदास जी कहते जिसकी रही भावना जैसी प्रभु गुरुदेव की चिंता थी इशारा बात बता दी कि जिसको जिस चीज पर विश्वास है उसकी मूर्ति आएगी जिसकी रही भावना जैसी प्रभु गुरुदेव की बात बता दी सुनते कौन इसको और कौन इसको बताए अनंत दुख अनंत दुख प्रभाव है तो मैं आपको कह रहा हूं मैं सहयोगी हूं जीवित मुक्त और सब आदमी हूं अब ये नहीं कि कुछ बन गया हूं मेरे सब जो आ गया इसे मैं आपको बताता हूं नहीं तो मैं आपसे कोई पैसे लेने के लिए आया हूं मेरे लिए तो हर एक बात का काम करता है आप आदर बनाता है जान को सकते ही जरूर देगा ना लोगों के लिए बनाए तो कोई दोस्त नहीं अगर घर कट्ठा करना चाहता है तो फिर आपको लिए दे दूंगा महात्मा 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 है महात्मा है नहीं दाम तो कर दिया महात्मा का कपड़े तो हर को मन में कुटला भरा होता है ये आप गरीब मोती धर कट्ठा को लाल को मान कर क्रोध काम क्रोध मोह सब कुछ बंद है इसलिए होता है पहली भगवान को प्रेम वाला कोई आदमी मिल जाता था या पुनर पुरुष को मिल जाता तो राजा के हाथी को होते से उनकी सुंडो करता ये समझता था कि इसमें सच्चाई है लेकिन अब क्या आप नजर देखो जितना भगवान को प्रेम देते हैं राजा के चित्र गिरती रही कितनी चलते रहे इसलिए आपको पहला भगवान का तुम ये बता दें ये अब आगे दूसरा था जल्दी सुनो तो अगर आप कहते हैं शिवजी को कि मंदिर पर परम पर दीप आयन सर का तो जी को कैसे पता चलेगा इससे से पहले दान प्रति चटनी होगी आपके पास सब कुछ होना चाहिए आठ मेरी दुकान मकान सब हो जाएगा पर सत्य के सत्य में आप आए और वो काम है दूसरा ग्रंथ है ये पांच के बीच में जिसको ओम का स्थान कहते हैं त्रिकुटी कहते हैं यहां त्रिकुटी का मतलब सत्ता जान दे तीन चीज मिलती तो काम का काम ये मिलती है इस जगह का ध्यान करने से क्या होगा ध्यान जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या अनुभव करोगे आपको लाल रंग का प्रकाश आएगा विष्ट का मुक्ति आप जो विष बना रखा राम का कृष्ण का देवी का किसी के रूप का वो आपको लाल रंग के अंदर नजर आएगा क्योंकि जोर पड़ता है आपको मूर्ति को देखने के लिए जोर लगाना पड़ता है और साथ साथ आपको हिंदू ओम की ध्वनि ओम का ध्वनि सुनेगी कृष्ण वगैरह उनको अमीन अमीन बोलते हैं और बाकी जो इसको कोई नहीं मानता उसको नगाड़े के बाद सुनते दम 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 और इसके अलावा कहीं वो सुनते वो कहते बातें झगड़े 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 ऐसे बातें किसी के नाम की वो झगड़े झगड़े तो कोई नहीं उसको झगड़ा तो नहीं है क्या कि जब आप इसे कारण छोड़ के परमात्मा के रूप में आगे जाना चाहते हो दुनिया की चीजों को छोड़ करके आगे जान चाहते हो वो चीज सिर चाहते हो वो चाहते हो तब फिर आपको ये सुनती है तो टकरा के तो ये तीसरा दूसरा स्थान ये आपको ओम का स्थान और ये ज्ञान का स्थान है मतलब कोई चाहे कोई ज्ञान किसी तरह का साथ हो आप चाहे सुदूर चीज का जाओ चाहे सुदूर चीज को ऊपर जाओ तो ये जाते हो ये मंदिर नहीं है तीसरा फिर क्या कर थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हो इस माता की मूर्ति ऊपर किधर से ज्ञान बन जाता है तो आपको क्या होता है मस्ती आ जाती है बेफिक्री आ जाती है मन काम नहीं करता वो आपके मन की एकाग्रता जो है उसे मस्ती खुशी देती है कहते बड़ा बस फकीर था साधु था बड़ा बाप का बेफिक्र हमेशा ऐसा रहता था वो औसा हो जाती उसकी तो थोड़ा सा पता चलता मन काम नहीं करता और यहाँ पर नशा पड़ जाता ये जो है आनंद देने की बेफिक्र आनंद को खुशी रहती है और उनके थोड़ा सा उत्तरी तरफ उतरते हैं तो यहाँ पर सोहम का सफलता सोहम सोहम और ये नाम ऐसे करके होता है ना आपको जो मस्ती रहती है इसलिए सारिणी की आवाज आती है यहाँ पर तो ज्ञान से ज्ञानी होती है पूरा ज्ञान और
जाने से जानी और उसके अंदर आपको सारे में आ सकते और आगे तो अगला अगर आपके थोड़ा सा ऊपर इधर तो वहां पर प्रकाश आ जाता है दीप रोशनी वो सूर्य जैसे रोशनी आती है आगे जाते हो तो फिर रखा के दान करते हैं आगे आगे टेंशन जाती नहीं अगर चली जाती है तो बाहर में तेल मारते हैं यहाँ पर आके किधर दबा जाते हो तो यहाँ पर आपको स्वयं की चुकी है जैसे बनाते हैं और जबरदस्त आपको फिर राम नाम की भूत होती है जो राम नाम को कोई पसंद करता है कोई नाम के देता है कोई मेहनत करता है तो उससे बड़े सिद्धि ये सब कुछ आ जाएगी दो दो गाय जैसे आप जाते हो वही हो जाएगा वहां पर खुद जाओगे अपने महात्मा को जाओगे सब कुछ होगा और जब सिर छोड़ के रहो फिर वापस आ जाते हैं क्योंकि आगे का मंदिर नहीं होते तो आगे के मंदिर के फिर क्या बताते हैं आगे के मंदिर के लिए ये सत्यों को बताते हैं क्या और इस तरह से उठे इससे बनता है इस जाकर तो चलोगे तो बच्चे का तावा देखो टिप टिप करता है वो बच्चे का तावा टिप टिप करता है इससे अब ध्यान बनने से आपको क्या होगा सर दो चीजें हैं एक तो राम नाम आ रहा है और एक जो बोल रहे हैं तो आपके अंदर मेरे अंदर ये चीज अलग है आत्मा से अलग है गीता रामायण भागवत जितने पहले के सात रूप के अंदर से पिता आत्मा 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 सब कुछ है आत्मा करती नहीं आत्मा करती नहीं कुछ आए क्या लेकिन कलयुग के संत ने कबीर ने गुरु नानक ने रायदास वगैरह इत्यादि ने रिसर्च करी तो देखा कि आत्मा को क्या देखेगी कि देख पड़े चीज तो कोई और है जो प्रकाश को देखती है वह चीज और है उस और चीज को तुमने क्लास किया तो पता चला फिर काफी दिन के रिसर्च के बाद में ओहो ये तुम परमात्मा की तरफ से हो वो परमात्मा तो सबसे बड़ा काम जो कर्म से परे है जिसे सूर्य काम सारे बढ़ते उसी से हम उसे की मुक्ति मिल जाए और ईश्वर और आया करके काम करता है ये ईश्वरी खेल कर रहे आप किसी मैट पर बैठा किसी चपरासी में बैठा किसी पुजारी में बैठा किसी में श्रोता रूप में बैठा किसी में गुरु रूप में बैठा किसी में सुन रहा रूप में बैठा कोई समझ नहीं ये वो है उसके पास के लिए यहाँ से जो तब सकती है सब दो ही चीज होती है और कोई विचार दूध रोशनी रास्ते कुछ नहीं कोई चीज नहीं सिर्फ वो चेतनता है और चेतनता साथ साथ सुनती रहती है तो धार को लगती हो चलते 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 जब चोटी के पास आता है तो एक उसकी समाधि बन जाती है समाधि कैसे समाधि तो दो जगह एक होती प्राकृति समाधि जब जो आप गहरी में जाते हो तो प्राकृति समाधि कहो अभी कुछ सोए तब बस रुकते हो खुशी शांति की तकलीफ दूर रहती है रोजाना हर आदमी समाधि में जाता है प्राकृति और वो समाधि क्या है वो आप लोग खुद प्राकृतिक तरीके से शरीर का क्या देगा मन का कुछ क्या देगा और कितनी भी समस्या है आपको नींद आ गई तो सब ये भी नहीं तो वहां चले जाओ थके आदमी दिन भर काम करने वाला आदमी थकावट है तो सो जाते नींद में जो होता वो काम फिर करता है रात को किसी ने कोई टॉनिक तो नहीं पी थी कोई चीज को सोए जाने तो सोने के अंदर पांच चार दिन नींद आए तो पागल हो जाता है और जो बीजा ने बोली देती है रात को नींद आने तो ये आपको ये समाधि है प्राकृतिक और ये समाधि तुम्हें चाहिए जानबूझ करके जब वो परमात्मा कहता है प्रभु बन के आता हूँ प्रभु से वो ज्ञान देता हूँ तब उसको अपने रूप का पता चलेगा यदि यहाँ चले गए हो जाए उसके बाद हो जाएगा आपको कोई जिंदा गुरु तो होता है जिंदा आदमी आदमी का गुरु आदमी होगा तो ज्ञान नहीं हो सकता वो फिर आपको बताएगा तेरा यहाँ कोई खेल में आया हुआ है तो इस वजह से सीधा तेरा यहाँ कोई धीरे धीरे का चक्कर था कोई पिछले जन्म का कोई बेटा भी गया कोई भाई भी गया कोई भाई भी गया कोई पड़ोसी भी गया कोई सुख दे रहा है कोई दुख दे रहा है चक्कर है धीरे धीरे तेरा कोई नहीं है तू भूत हो गया तो तू जितने जब तेरा प्रारंभ कर जब तक तू रहेगा तेरा शरीर तब तक तू जीते मुक्ति का अनुभव लेता है मुक्ति का मतलब देखता है कि सब परमात्मा ही देगा सब परमात्मा देगा सब को परमात्मा ही देखता है देखती देखता तू ही तू तो वो ऐसा आदमी जब जीव मुक्त होता है वो क्या करता है कोई चोर चोरी लेके जाता है तो चोरी चोर नहीं सोचता वो सोचता परमात्मा चोर का ड्रामा खेला अंदर तो चोर का और जिस व्यक्ति के अंदर पकड़ दो पकड़ दो पूरे साल में होते हैं कि ये तो पकड़ने का ड्रामा करे ये हर चीज को सोचता परमात्मा खेल रहा था जब तक जीता उसको वो इस लोक के अंदर प्रिय दृष्टि नहीं हो गया दृष्टि ऊंची करे तो प्राणी सात समझ का आवे सात का शरणागत का भाव को फिर सात पाने का सार ये फिर शरणागत बोलते हैं तेरी बिना तू ही लीला तो अपने रूप का जब पता हो जाता है फिर वो दोबारे याद नहीं रहेगा तब जी थोड़े चला के तो मर जाए इसलिए वो राम नवका पक्षी बता बताता है
आगे प्रतिमुक्ति करते कि सिरी ममता सफल परम रूपा जीव पालन ये सिरी जब मैं मुंह से बुझाता हूँ गुरुदेव को ये जानने के लिए तो मेरा रूप देखने के काबिल है और बस मौसी की बात मुक्ता तो देखने का सिला तो ये क्या आपने लेना आपके अंदर है कोई बात नहीं है बताना है तुमको कि आप कैसे क्यों हो क्या चाहते हो तो ये जान के अंदर चल जो चाहते हो जो मिलता सब जो इच्छा करते हो आप बार बार इसी की इच्छा करते हो क्या पता तो देखिए पर हमको पता नहीं क्या इच्छा कर रहा ये कर वो कर वो एक इच्छा अगर आप करते हो कोई सत्य बनते तो आपको प्राप्त तो देख कुछ करने करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ईश्वर से कोई कमी तो आती कमी है तो आपको विचारों में तो आपको करना हमें क्या करना है हमारे घटिया विचारों पर टार करके जिंदगी का स्वाद ले जितने स्वाद आता है तो वापस चढ़ा है खेल में अच्छा खेल खेलो फिर फंस जाओ फिर जब आपको ये पता चल जाए ओ हो या तो मैं तो राजा सोची है न प्रजा तो मेरे पास तो नहीं आगी कैसे आई तो मैं मेरे राष्ट्रपति के पास आया भारत के राष्ट्रपति ने प्रसाद धर्म जाए तो राष्ट्रपति वो बोल था मेरी पटरी थी वहाँ और मैं वहाँ पर कभी कैसा अवसर था कि तेरे को मेरा पढ़ने से तो मैं जाता था राष्ट्रपति को देखता था विदेशी उनके बात कैसे करता था ये कैसे करता था और उनको काम उनको कैसे बातचीत करता था और कितनी उसका सम्मान था अब जब उसको दमा चढ़ता था जब दमे का बोलता था तो वो कपड़े फेंक देता था दमा था तब उसको तो वो राष्ट्रपति हो गई इतनी इज्जत और तू इतना से साथ हो गया जी निकल गया हो गया फिर तो भाई वो हो गए इसी तरह किसी को समझा जाए कि हाँ तो उस की नहीं ने करोड़पति शेख सुनती है ने तो विद्वान सुनती है इसके लिए कभी साहब ने छोटा सा कह दिया तन जब सुतिया कोई ने देखा जो देखा तो दुखिया हो उदय की बात कहे तो सबका किया विवेका हो सुबह शाम की बात कहे तो सबका मानो घटिया उदय की बात कहे तो सबका किया विवेका हो घाटे बात है सबको दुखिया क्या की नहीं बहरानी घाटे बात है कोई कम को ज्यादा सभी दुखिए जैसी भी और तो सिन्यासी ने प्रबल घाटे बात है सबको दुखिया क्या की नहीं बहरानी हो और कोई से कहते साथ कहो तो कोई नहीं माना झूठ कहा है जाई हो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो क्या गिरी है रात चलाई ब्रह्मा पैदा करता है विष्णु पाप करता है शिव सार करता है तो भी दुखी है जिन्हें रात चला रखी है वो दुखी तो फिर वो कोई बातें बताते अचानक ये सुख देव तो था कितना इसी पर मुख खोलने के लिए गर्भ में मैं कहा कि बन जाऊँ मामा लिया ये तो दुख इसे आखिर में वो कहते कहे कभी लो भाई साधो संत सुखी मन दिखे संत किसको कहते हैं हर आदमी संत का अर्थ है ना कि जो उससे निकला का कमला जी का गया परम संत के को नाम नहीं वाला मैंने पूछा भाई क्या नहीं किया आपसे बढ़िया जो क्या नहीं किया वो तो मैं परम संत भी क्या बोला तो बाकी जो तो बड़े बड़े संत को क्या नहीं कही तो मेरे को परम संत किया तो तोड़ दिया तू क्या कहते हैं वो तो ड्रामा करते हैं आप लोग हो मैं संदेह तो भुगतान बढ़ाया नहीं जो संत परम संत थी 108 हो गया तो भुगतान लगा दिया भगत पुराने से पुराने से हमारे पास समझ आ गई तो संत वो होता है समस्थिति में रहता हमेशा न को दुख रहता है न को सुख रहता है तो यथा लाभ संतोष था सुख नहीं देंगे तो दोष था यथा लाभ संतोष मैंने कोई उसको प्रवाह नहीं तो दर्श इसका लाभ यानी उसकी मौत है सब कुछ खेल है किसी चीज में दुख नहीं मानता हमेशा कुछ ये समझो कोई चिंता फिक्र डर है वो स्थिति रहता लाभ रहता और वो समस्थिति आ जाने में हो सकता है तो रहता भी हो सकता है और एक जुड़ावा समान भी हो सकता है एक रहता है खुद को पुराण वाला भी और एक किसान भी हो सकता है तो सब में बात तत्व है राजा भी कोई है और एक गरीब में कोई है एक हरिजन में कोई है एक पंडित जी में कोई है सब के अंदर एक है इसलिए वो बात को समझ गया तो संत गति एक हालत है जीवन की संत कहते हैं कि जीव की ऐसी हालत है जिसमें वो दुख सुख के भाती नहीं बेबी ये ऐसा आदमी जो था वो ठीक का रूप होता है क्यों तो अपना कुछ होता नहीं ये राज्य कुछ होता नहीं सब तो क्या होता है सही बात होती अब ऐसा आदमी जो दुख संत कहते हैं अभी संत सब लगा रहा था मेरे पुत्र लगा रहा था कि कितना बड़ा संत परम संत लगा रहा था जब तुम बोल परम संत तो बैठ कर बता के नहीं इसको हो इनको लाया तो तुम लाया आई संत बात ये आपको ज्ञान मिलेगा किससे जीवते जागते गुरु से मिलेगा और इस ज्ञान के लिए मनुष्य को मिल सकता है
आप चाहे तो इसी जिंदगी के अंदर आप रोक सकते हैं, जीवते मुक्त हो सकते हैं, जीते जीते और तो श्री छोड़ेंगे तो आप छोड़ेंगे, जीवते मुक्त रहेंगे कब तक, जब तक प्रारब्ध कर्म पूरा नहीं हो, किसी को देना देना पूरा नहीं हो, तो प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तो चलते हैं। तो आज के सत्र में मैंने आपको संक्षेप में बताया है कि दुख हरण को क्या है, प्रारब्ध का क्या है, क्यों क्या है, जो लोग दुख जाते हैं साथ उनको पता नहीं है, भाई भाई को पता नहीं है, उनके तनाव है, एक आदमी को चला जाता है घरों की शांति दिए, बच्चे जो आते हैं उनसे शांति दिए, इसको जो लोगों को पता ही नहीं बच्चे कैसे पता चले, हम तो उसे ऐसे ऊपर मारो उसे बच्चे चला जाते नजर लगते, अगर बच्चों को बच्चे की खास से पता करा जाए संतान को, संतान की खास से उसकी पुस्तक देखिए एक बार, और ये जो पंडित की बातें होगी सबके तो पुस्तक रूप में है, साथ ही सीधी हिंदी के अंदर है, आपको पुस्तक में जाता हूँ बताया थोड़ा पुस्तक लिखी ये मेरे बुद्धि है देखो कई को चाहिए थोड़ा पुस्तक है जो वो सस्ती थोड़े चप्पे से दूर रख सकती है। आपको यहाँ पर ये कह रहे डॉक्टर कमला जी से भाई मेरे से आप बहुत ऊंचा बोलते हो, उत्पादक में मेरे को कोई योग्यता नहीं थी, इनको कुछ मुख मुख में बनाई जाती है, और अभी जो गुप्ता जी है यहाँ के कैदीदार हरी प्रसाद गुप्ता जी है ये दे रहे आप, ये आपको अपनी तरफ से बांट रहे आपको, आपको ज्ञान देने के लिए उसको धर्म बेटी पर दे रहे आप बेटी आप किसके गुरु से कहाँ जाओगे, घर के अंदर बाप बच्चे जिम्मेवारी आपकी घर की तो घर बैठे हो घृणा दीजिए, अगर उन किताबों को कहीं ऊपर देते हो जैसे रामायण किताब को ऊपर देते हो जब एक रुपये दो तीन तो रुपये का तो नहीं बात पाँच सौ रुपये का नहीं बात तो पूरी आप समझा के पड़ी जाइए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, और कोई बात कुछ नहीं होगा तो खून पर पूछ रहे डॉक्टर कमला जी मैं मेरे पे पूछ सकते हो मैं बिजी रहता क्या उत्तर जब पूरा आते रहते हैं कोई डॉक्टर कमला जी आप पूछ रहे बेटिया कुछ पूछ रहा सकते हो जान सकते हो योगी भी है और जानती भी है तो उस वक्त नहीं देखा ये को पता उस वस्तु के अंदर आपको घर बैठे क्या है पर जो कुछ अच्छा लगे दूसरे को अपना दूसरे को अपने भाई को भाई को रिश्तेदार को प्यार को पड़ोसियों को जिसको आप चाहते तो जितने आप बैठे उसके अंदर आपको पाँच पाँच छह छह चार चार दिए वो पुस्तक आप आगे बढ़ाइए इनको ले जाके रखोगे आप नहीं रखोगी ये तो दान दे दान दे गया है बाकी आपको या आपको दान कम तो आपको चाहते हैं मेरी बेटियों को मेरे भाइयों को ज्ञान दे तो मैं अभी मेहमत जो कर ही सकता हूँ मैं तो बार बार कह सकता हूँ जो ये भाई करता है करना चाहता है और आप मुझे को उसे सत्य करना चाहता है अपना लड़ना आप कार्य नहीं आप उठता थे उठता थे आप मैं ये इधर की फिलहाल कभी आप जानते हो और बाकी और ये बेटे आप सीताराम जी बेटी सीताराम शर्मा ये काम करते हैं और पूरे रत्न रह गए रत्न आइए भाई बैठा ये बैठे आप जब आप चाहते हो किसी को कुछ लेना सत्य कराना चाहते हो बता देना और जब कभी आते तो डॉक्टर कमला जी सत्य कराएंगे आप कभी हमें सत्य कराएंगे सत्य का आगे देख रहे हैं और जब मैं भी कभी कराऊँ आपको सत्य और नहीं तो घर बैठे टेलीफोन पर कुछ ना करके पूरी सुविधा टेलीफोन नंबर है मेरा भी डॉक्टर कमला जी तो बेटियों के लिए कहते बेटियों का जो गुरु है वो आचार्य स्त्री हो रही है तो उसको बता सकती है सब आप आदमी को बता नहीं सकते अगर जैसे आप क्या बताओगे होगी स्त्री पूरी हो क्या बताओगे इस सेवा का हमदारी होगा जो आपको काम करना चाहता है भाई घर पर बेटी हो सकता है करना चाहता है तो हम चाहते हैं कि आप बेटियों से काम करें आप हम आपको कुछ देंगे आप बेटियों को अच्छे से देंगे और पुत्र लेना चाहते हो तो पिता जी के पास में प्रकट पुस्तक होगा होगा इनके पास जो पुत्र ले रहे गुप्ता जी पुत्र ना तो इनके पास कुछ लेंगे हमेशा एक सेट में एक सेट में थोड़ा कुछ होती आप जाके काम कर सकते हो ये मेरा काम करना चाहते हो तो कुछ कर सकते हो अब कितना करोगे अब आप में कोई बेटी की इच्छा है तो करो और ये काम तो घर में भी आता जी है कुछ सकते हैं या चार पास है तो सत्य करा दो और नहीं तो फिर वैसे आप जब पास रखो या एक एक पुस्तक दे के पढ़ाओ आपकी मर्जी से अब पैसे दे के पढ़ाना भी ठीक होगा उस पुस्तक का कितना रुपया देते तब का रुपया कितना है और मुख्य ध्यान है मैं आपको ये गुप्ता जी द्वारा ये द्वारा आपको ये साथ ये बेटियों को मेरे भाइयों को देंगे
सोचना कि आपको ये करना पड़ेगा, सत्संग करके लिए महीने का सत्संग करके डॉक्टर कमला जी को कह जाएंगे बस ये ना कहीं मेरे पास तो घर को आदमी आएंगे मेरे पास में जो नौकरी करती हुए एक रहती मेरे तरीके से और जो कुछ कहते हो गुप्ता जी को कह दो यहाँ पे हरियाणा जी को कह दो शर्मा जी को कह दो क्या कहते सीताराम जी को कह दो और महाराज जी को कह दो उनको कह दिया ठीक है। तो आज का सत्संग मैंने बता दिया। अब किसी बेटी को प्रश्न मेरे को पूछेगी कोई प्रश्न किसी भाई को है अध्यात्म के विषय में कोई प्रश्न योग की बात साधना की बात या कोई समस्या है तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है तो अभी आपको कोटि थी कि मैं कह दी जा रहा हूँ दी जाएगी कुछ ना तो आप आओ तो मुझे तुम कभी नहीं सोगी तो ये काम करना चाहती है वो बता सकती सीधे मेरे को फोन करते मेरे से मैं काम करना चाहती हूँ तो क्या चाहती हूँ मैं जानूंगा आपके नाम को काम कर सत्य में की के साथ गुप्ता जी के साथ युद्ध उस करिए ये सीताराम जी ने प्रबंध करते हैं या तो काम करो पति ने बच करो पति बड़े को सब दुखी तो सभी है तो उनको सत्य में जाओ तो सुख हो जाएगा शांति हो जाएगी कोई तकलीफ जब दूर हो जाएगी विचार क्या है क्या अपने विचारों को शिव कर लो सुंदर अपने को भी सुख दे दूसरे को सुख दे तो इसके लिए क्या करो अपना बुलाता हो अपने परिवार का बुलाता हो अपने पड़ोसियों का बुलाता हो इधर तो मनुष्य सेवा से बुलाता हो अगर तू व्रत करे आप ये समझो कि हे प्रभु इसका संस्कृति दिन सार कर ली दुख हो जाएगा ये गलत काम है तो अभी बताना प्यार से समझा दो अंदर मन कोई बात पर आप ये करो अपने आप को बुला दो और कोई भी घरवाला नहीं करता आप तो आपके सागर को दे जाएगा अगर घरवाले आदमी समझो दिया एक प्रवृत्ति करे प्यार से समझा दो सब कुछ सुना दो दो चार सत्र मेरे से बता दो कम लागे तो सुना दो ठीक हो जाओ तो बात सच्ची बात है बात ये तो सताई क्या है लोग में शायद आप पता नहीं कि किस मंत्र पर राम के लिए मान किस को मान बहुत अच्छे मानो मान्यता है सर आपकी मान्यता है विश्व व्यापी सत्य नहीं विश्व व्यापी सत्य आप ही सत्य है आप सत्य है आप ही स्वयं से है आप सब कुछ कर मनुष्य करता है मनुष्य को क्या जाने तो सत्य ही है शक्ति मनुष्य के अंदर है इसको ये मेरी धरती है जिधर देखता